Ram. <laughs> Murari, uh, Bapu, I am not as eloquent as you are, but uh, I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. Uh, the UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. <laughs> उसमें सलाम कहना चाहिए वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा उन्होंने कि नहीं कहना चाहिए था जो है तो मुसलमानों का ये ये नहीं कहना चाहिए जारी बात है उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या है कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए लाज भी रखनी चाहिए बंदे को जो जो ये शेख शेख किस तरफ जा रहे हैं जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर यह सब कुछ हो रहा तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम ऐसे ही है क्या करते है जब शेख होगा यह हलत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए हालांकि सोदिया के जो शेख है वो माना जाता है उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे आपको पता आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर तेरह टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ भी कर सकते हैं क्या समझते हैं हम ये सही है या गलत है गलत है होना ही नहीं चाहिए ये दुबई एक टूरिज़्म हब है तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरीत ज़्यादा तक है तकरीबन सिक्सटी परसेंट हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर तो वहाँ पर अक्सरीत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है गलत है क्योंकि जिस आप देखें ना ए, इंडिया में भी मस्जिदें हैं क्या कहते हैं आपको पता पता इंडियन में भी जहाँ है उधर भी साठ से सत्तर परसेंट जो मुसलमान ही रहता है आपको पता है ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं और दिवाली वगैरह भी बनती है मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं मनाना चाहिए कहते हैं उनके लिए जो बना रहे हैं मंदिर मुंदर तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा इनको बनाने नहीं देना चाहिए इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए तो फिर नाम की मुसलमान हुए ना फिर अगर जब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी राय क्या गया मुस्लिम जो क्या कहते हैं अगर आप यहाँ पर कहें जी रेजकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए हिंदुओं आगे बैल बजाना शुरू हो जाए तो फिर ये तो बात तो नहीं है मतलब के मंत्री बनने देना चाहिए जारी बात है नहीं बनने चाहिए उनको वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है उनको पता ही नहीं हो कहता जी हमारे साथ जन्म होंगे हालांकि अलग तरफ से एक है उसके बाद दोबारा नहीं जिंदगी मिलनी बिल्कुल सही अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है वहाँ पर हिंदू ज्यादा रहते हैं फिर मस्जिद के भी नहीं बनाने देने चाहिए नहीं वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में आजा कंट्री में है इस तरह हर मजहब के हर उसमें होते हैं कंट्री में जो अमेरिका में भी है हर जगह होते हैं जो है हिंदू वगैरह और मुस्लिम जो है और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन जो है ना बनाने देना चाहिए उनका भी मजाक खतरे में जाता है इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी वो क्या नाम था उसका जो बड़ी मशहूर थी जिसपे हमला भी किया था हिंदुओं ने जो क्या कहते हैं जब कोरोना के टाइम पे जो क्या कहते हैं इन्होंने किया था ना उसको डैमेज वगैरह भी किया था क्या था लाल मस्जिद नाम था क्या था मुझे याद नहीं थे उन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था जुने यहाँ से बंद करो और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो ने है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था आपको पता और ये जय श्री राम तो वो तो हिंदुओं का अक्सर हम देखते हैं वीडियो भी देखते हैं तो वो तो जब मुसलमानों पर वहाँ पर तो उनको कहते हैं ये बोलो ये बोलो ताकि हम तुम्हें तो छोड़ें वो ये तो उनका मजहबी कोई है कोई लफज है जय श्री राम का वो मुझे नहीं पता कि क्या लफज है उनका इसके क्या मायने हैं लेकिन वो जो भी बोल रहा है वो हो सकते हैं मुसलमान ही ना हो जो बोल रहा हो जो मुसलमान के लिबास में आपको एक शख्स शख्स नजर आ रहा हो सकता है वो मुसलमान हो ही ना सर आ, ये लफ्ज बोलने से इस्लाम बंदा इस्लाम के दायरे से खारिज भी हो सकता है या नहीं ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में कि वो इस्लाम से खारिज होता है कि नहीं होता लेकिन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जो अक्सर वीडियो देखी है इंडिया की जितनी भी वो वहाँ पे टॉर्चर मुसलमानों पे होता है तो वो एंड पे उसको यही कहते हैं कि ये बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोल वो यही टॉर्चर करके यही बोल रहे थे इसका मतलब ये उनका कीदे का कोई है कोई मजबी उनका है जिसकी वजह से वो ये उनसे बुलवाते हैं मुसलमानों से अच्छा आपको लगता है जबरदस्ती हाँ जबरदस्ती खुशी खुशी बोल रहे हैं ये खुशी खुशी इसलिए बोल रही कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के बेस में कई तरह के लोग फिर रहे हैं दुनिया में देखिए बात ये है कि मंदिर बनाए ये जो भी बनाए ये जितने भी हालात दुनिया में चल रहे हैं ना इस टाइम ये सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं ठीक है ये जो मंदिर बन रहे हैं ये वहाँ पे फाशी के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पे आपको भी पता है अब सऊदी अरब में वो एक ऐसा शहर बना रहे हैं कि आपको भी पता है कि वो पता नहीं कहते कैथिस्तानों का शहर है वो ठीक है ये कैमत की निशानी है भाई कि अरबों के पास जो है ना अरबों के पास इनके पास इनके बिल्डिंगे ये चीज़ें आ जाएंगी और वो रेत पे बिल्डिंगे बनेंगी और रेत पर बिल्डिंगे बनी हुई हैं आपको नजर आ रही हैं तो ये कैमत की तरफ दुनिया जा रही है और ये कैमत की निशानी है और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मंदिर उन्होंने बनाया वो तो अल्लाह माफ़ करे वो इतना जितना जुल्म कश्मीर में वो कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले और जितना जुल्म मुसलमान में हिंदुस्तान मुसलमानों पे हिंदुस्तान में हो रहा है उसके बावजूद वो इतनी फेवर फेवर देते हैं इनको पता नहीं उन्होंने क्या देखा है गलत बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं क्यों <laughs> सर क्यों गलत बोल रहे हैं क्या बजवा है देखें जी बीग मुस्लिम आर ईमान क्या है ला मोहम्मद रसूल अगर हम उनके देवताओं का या हिंदुओं का नाम अपनी जबान से लेना शुरू कर देंगे तो दिस इज़ रॉन्ग अगर वहाँ के मुसलमान इंडिया के मुसलमान जिनको वो मजबूर करते हैं कि एक दफ़ा बोल दें जय श्री राम वो अपनी जान दे देते हैं तो क्या हमें इस चीज़ का लिहाज नहीं करना चाहिए हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए कि वु शुड नाट गो एंड से जो वो कहते हैं हमें कहना चाहिए ला मोहम्मद अल्लाह रसोल्ला एक है और उसके बाद कोई पूजा के लायक कोई इबादत के लायक नहीं हमारी सेंग ये है वाई शुड वाई शुड वी से कि वो जो कह रहे हैं वो शुड नाट से और अगर इन्होंने कहा तो गलत कहा इट्स के शेख इट्स नहीं जो मर्जी हो शेख दुबई के शेख हों या पाकिस्तान के शेख हों मुसलमान जहाँ भी हो ठीक है उसका अपना ईमान है उसका और अल्लाह का मामला उसके साथ है अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं